યાત્રા કરવા મારું મન લલચાય, મારું મન લલચાય. તલેટીએ શિશ નમાવી ચડવા લાગુ પાય, ચડવા લાગુ પાય. પાવન ગીરીનો, પાવન ગીરીનો સ્પર્શ થતા પાપો દૂર પલાય. ઊંચા ઊંચા શત્રુંજયના શિખરો સોહાય, અષાઢી મો હૈયુ અષાઢી લો મો. કાકરે 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 સિદ્ધ અનંતા લડી લડી લાખો પાર. ઊંચા ઊંચા શત્રુંજયના શિખરો દર્શન કરતા પહોંચ્યા હાથી પો, પહોંચ્યા હાથી પો. સામે મારા, સામે મારા દાદા કેરો દર. નમો નિયંત્રણ, નમો સિદ્ધાણ, નમો હરિયાણ, નમો ગુજરાણ, નમો દેશભરાણ. ఏసో పంచ నమకారో నమ బాబ ప్రణాగ నమగరాణ జగదగుణ మంగళం మంగళం మగమానవీర మంగళం గౌతమ ప్రభు మంగళం స్థూమి భద్రాధ్యాయస్తు మంగళం సర్వాదిత్య ప్రణాంగ సర్వ విస్తారదాయినే సర్వలబ్ధిని దాన గౌతమ స్వామిని నమ అజ్ఞాన తిమినాం దానం జ్ఞానం జనశలాకయ నేత్రమున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమ. ఆద్మీ భగవాన్ కో మిలా और एक कथा है. आदमी ने परमात्मा को प्रश्न में देखे, भगवान आप मेरे साथ हो वो मुझे पता कैसे चलेगा. और परमात्मा ने जवाब दिया कि दोस्त एक काम करना, जब भी तू कोई रास्ते पे चले और रास्ते पे चलते जब भी तेरे मन में डाउट आ जाए कि भगवान मेरे साथ है कि नहीं, पीछे मुड़ के देख लेना, मेरे पगलियाँ भी तुझे दिखाई पड़े तो मान लेना कि मैं तेरे साथ हूँ. आदमी खुश हो गया. आज तक तो ऐसा प्रॉमिस किसी ने नहीं किया था, परमात्मा ने प्रॉमिस किया और आदमी की जीवन की रफ्तार बड़ी तेजी से चली. लाखों करोड़ों रुपया कमा गया, सब कुछ कमा गया और हर जगह वो देखते चला भगवान मेरे पीछे है, क्योंकि भगवान के पगलियाँ दिखते थे. और एक दिन ऐसा हो गया, आज जैसे कोरोना का माहौल बन गया है, पूरा विश्व स्तब्ध है, क्या करे कैसे करे, जाए तो कहाँ जाए, ऐसी सोच के बीच में वो आदमी भी आया. घर में बैठा लॉकडाउन में, कहीं दूर दूर तक उसको दिखाई नहीं पड़ता था, मगर घर में बिल्डिंग में एक प्रीमाइसिस थी और प्रीमाइसिस में वो
अपने बंगले की प्रीमाइस में सुबह वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था। जब मॉर्निंग वॉक कर रहा था तब अपनी प्रीमाइस में मिट्टी थी, वो चलते रहा, उसके मन में एकदम याद आ गया कि भगवान ने मुझे प्रॉमिस किया था जब भी तुझे डाउट हो जाए तो देख लेना पीछे, मेरे बगलिए तुझे दिखाई पड़ेंगे। और वो प्रीमाइसिस पर चलते चलते उसको डाउट आया और उन्हें पीछे मुड़ के देखा, दो पगले गायब थे। और वो चिल्लाया, भगवान यही तो स्थिति थी, ऐसी स्थिति में आपकी उम्मीद रख करके बैठा था कि आप निश्चित मेरे साथ होंगे, अभी आप गायब हो गए और ऊपर से आवाज आई। भगवान ने बोला, किसने बोला मैं गायब हो गया, मैं ही तो हूँ तेरे साथ। वो आदमी ने बोला, भगवान यदि आप ही मेरे साथ हो तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, दो पगलिए मेरे, दो पगलिए आपके, चार पगलिए हमेशा रहते थे, आज सिर्फ मेरे ही दो पगलिए रहते, आप तो दिखाई नहीं पड़ते। भगवान ने बोला, दोस्त तुझे मालूम ही नहीं है, ये जो दो पगलिए तुझे दिख रहे ना वो मेरे है। आदमी हैरान, भगवान यदि आपके दो पगलिए तो मेरे दो पगलिए कहाँ गए। भगवान ने, दोस्त तुझे मालूम नहीं है, मैंने तुझे कंधे पर बिठा दिया है, ऐसी पोजीशन में तू चलने वाला नहीं था, मुझे मालूम था शायद तू डिप्रेशन का शिकार बन जाए, शायद तू सुसाइड कर दे, ऐसी कोई भी स्थिति ना आ जाए, इसलिए ऐसे माहौल के बीच में मैंने तुझे कंधे पे बिठा दिया है। और आदमी की आंख में अर्श के आंसू आ गए। हमारा तो दुख दुख क्या है, हमारी दिक्कत भी दिक्कत क्या है। आज हम भगवान विष्णुदेव को आंखों के सामने रखे तब पता चले, तीर्थंकर भगवान जिनकी दीक्षा के जुलूस में करीबन कम से कम 1 करोड़ देवता, क्या माहौल बना होगा। और दीक्षा दिन पचकांड किया उपवास का, उसी दिन से लेकर के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40, 60, 70, 80, 100, 150, 300, 350, 400 दिन बिना भोजन बिना पानी, भगवान गली गली पे, गांव गांव में, घर घर पे घूमते चले भिक्षा के लिए, मगर परमात्मा को भिक्षा मिली नहीं, भिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी, भिक्षा का भी दान हो सकता है किसी को पता नहीं था। और 400 दिन भगवान बिना पानी और बिना भोजन बिचरे। आज के दिन भगवान श्रेयांश के घर आए और 34वें नाम हुआ श्रेयांश को, और गन्ने का रस का श्रेयांश ने पालना कराया। तब से लेकर के पूरे जिन शासन में 1 वर्षीय तप की आराधना चली, 1 उपवास 1 व्यासना, 400 दिन की आराधना, हजारों लाखों लोग क्या उल्लास से करते। मैंने कई लोगों को देखा है, चेहरे पे मस्ती, चेहरे पे चमक, चाहे गर्मी हो चाहे अधिक मास हो, करने वाले करते ही रहते। आज उन सभी तपस्वी की मंजिल आज आई, 400 दिन में सभी तपस्वी ने न मालूम मन में क्या क्या अरमान सजे होंगे। कहीं ने सोचा होगा प्राणायाम पालिताना करेंगे, कहीं ने सोचा होगा प्राणायाम हस्तगिरी करेंगे, कहीं ने सोचा होगा प्राणायाम कलिकुंड करेंगे, कहीं ने सोचा होगा प्राणायाम अंबाई खाला करेंगे, कहीं ने सोचा होगा प्राणायाम शिवानगर करेंगे, कहीं ने सोचा होगा प्राणायाम तीन बत्ती करेंगे। माने जहाँ जहाँ भी भगवान विष्णुदेव मूल नायक है वहाँ जा कर के हम प्रार्थना करेंगे, मगर प्रकृति ने कुछ अलग ही सोचा था। कल रात को ही मुनि से बात होती थी और बात होते होते कहीं आपके आँख कोने भीग गए, शायद सैकड़ों सालों के बाद ऐसा दिन आया होगा जहाँ पालीताना भी जाने का निषेध है। माने हम जा नहीं सकते, बराबर है, तो आज भगवान विष्णुदेव की स्मृति में रख करके आज हम गन्ने का रस का नहीं तो गुड़ का रस का भी, गुड़ के पानी से भी आज वर्षी तप का पालना होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 3 चीज हमेशा आंखों के सामने रखना, हर दुख भयंकर नहीं होता है। 12.5 साल तक भगवान महावीर के दुखों को हम देखे, भगवान विष्णुदेव परमात्मा के 424 उपवास के दुख, हम इनको दुख मानते हैं, वो दुख नहीं है। एक स्ट्रॉबेरी उसमें गाय कटती है वो दुख अलग होता है,
और ऑपरेशन थिएटर में मरीज को डॉक्टर ऑपरेशन करके काटते वो अलग होता है। गाय का कटना जीवन की समाप्ति है, ऑपरेशन में मरीज का कटना ऑपरेशन जीवन की समाप्ति नहीं है मगर तंदुरुस्ती की बिगिनिंग है। अध्यात्म के मार्ग पर जो दुख आते वो दुख इसलिए अच्छे है वो अनंत अनंत काल से आत्मा पर लगे हुए कर्म के कचरे को साफ करने की एक बड़ी क्षमता रखते हैं। तो माने ये मत समझना कि आज के माहौल का जो दुख है, हमने वर्षित की साधना की, परमात्मा की भक्ति की, भगवान आज मेरे सपोर्ट में क्यों नहीं है। मैं ये कहता हूँ आज भगवान ही अपने सपोर्ट में कंधे पे बिठा दिया है और भगवान खुद चलते हैं। क्या विशेषता है परमात्मा की? परमात्मा की तीन विशेषता आंखों के सामने रखना। भगवान आप सर्वशक्ति के नायक हो, दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके चरण में न हो, चाहे भौतिक शक्ति, चाहे आध्यात्मिक शक्ति, चाहे साधन का सुख, चाहे साधना का सुख, चाहे समाधि का सुख, चाहे सद्गुण का सुख, चाहे सद्बुद्धि का सुख, चाहे सद्गति का सुख और चाहे परम गति का सुख। साधन, साधना, समाधि, सद्गुण, सत्कार्य, सद्बुद्धि, सद्गति और परम गति, हर सुख इनके आप नायक हो। आपके चरण में आने वाला ये सुख पाए बिना कभी रहता नहीं। कभी कभी मन में डाउट भी हो जाता है, भगवान ये सुख की अनुभूति कब होती है? तो मैंने और आपने अनुभव किया होगा, एग्जाम सेंटर में पेपर दे के हम बाहर निकलते हैं, अपने समय पे तो रिजल्ट ही मिलता है, रिजल्ट के समय पे यूनिवर्सिटी तय करती है, उसी समय पे ही तो रिजल्ट मिलता है। भगवान मुझे और आपको भी यही बात करते कि दोस्त, मेरे पीछे भक्ति करने वाले को मैं निश्चित तौर से फल देता हूँ, 100% देता हूँ, मगर एक बात याद रखना, तेरी भक्ति का फल तेरे समय पे नहीं होगा, मेरे समय पे ही होगा। माने भक्ति का फल निश्चित मिलने वाला है। तो साधन, साधना, समाधि, सद्गुण, सद्बुद्धि, सत्कार्य, सद्गति और परम गति, हर सुख के भगवान आप नायक हो। तो नायक तो दुनिया में कई लोग होते, ऐसे 500 करोड़ का मालिक हो, मगर वो नायक से हमें क्या ले देना, वो होगा इनके घर का करोड़पति, हमें कुछ लाभ हो तो बताओ। तो हरिभद्र सिंह का ये कहना है कि भगवान आप सर्वशक्ति के नायक ही नहीं हो, सर्वशक्ति के दायक भी हो। माने अबतपति के घर में जाने वाले को शायद रुपया न भी मिलता हो, कई भोजनशाला में जाने वाले भिखारी को भोजन न भी मिलता हो, मगर आपके चरण में कोई आया, तारे द्वारे आवे लोग कोई खाली हाथे जाए ना, भगवान कभी खाली हाथ से जाने वाला नहीं है। माने आप सर्वशक्ति के दायक हो, मगर एक कंडीशन है, सूर्य प्रकाश देता है, मैं दरवाजा बंद करके बैठा हूं, मैं शिकायत करता हूं सूर्य का प्रकाश मेरे घर पे तो आया नहीं, सूर्य भी मुस्कान के साथ कहेगा दोस्त मैं देने के लिए तैयार हूँ, तेरे घर के दरवाजे तक आया हूँ, मगर तू दरवाजा बंद करके बैठा है। मैं कभी ये तो नहीं करता ना कि दरवाजा तोड़ करके तेरे घर में आ जाऊँगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होने के बावजूद एक कंडीशन अपने पक्ष में है, दरवाजा खोलना पड़ता है। भगवान सुख देने के लिए तैयार है, करुणा करने के लिए तैयार है, मगर उनकी ओर से कंडीशन है कम से कम तेरे हृदय का दरवाजा खोल दे, फिर देख मैं तुझे कितने सुख से भर देता हूँ। माने एक आदमी किसी से पूछता था, नास्तिक आदमी था, किसी धर्मी आदमी को पूछता था, यार भगवान ने तो अपने दुख सामने से दूर क्यों नहीं कर देते, अपने को उनके पास जाने की जरूरत क्या है? और वो लड़का अच्छा था, पूछने वाले के चेहरे पर उसने देखा इतना बाल बढ़ा हुआ था, बाल बढ़ा हुआ था, तो उसने पूछ दिया दोस्त एक बात बताएंगे, ये बम्बई में नाई है कि नहीं? नाई है ना, बहुत है ना, गली गली पे नाई की दुकान, बाल कटने वाले की दुकान है। उसने बोला मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, ये बाल काटने वाले की दुकान, नाई सब जगह गली गली पे है, फिर तेरे बाल इतने ज़्यादा क्यों है?
सर पे, तब उसने बोला यार कमाल की बात करता है, नाई की दुकान होने से अपने बाल थोड़े कट जाते हैं, अपने को नाई की दुकान के पास जाना पड़ता है तब नाई बाल काट सकता है। उसने बोला ये ही समझ लेना, भगवान अनंत करुणा के सागर है, इनकार ये अर्थ ये नहीं कि तेरे घर पे आकर के करुणा करेंगे, भगवान के पास जाना पड़ेगा, परमात्मा की चरण का स्वीकार करना पड़ेगा और फिर भगवान तेरे दुख को दूर करेंगे निश्चित तौर से। नंबर एक, भगवान सर्वशक्ति के नायक है, नंबर दो सर्वशक्ति के दायक भी। प्रश्न ये आता है, भगवान ने दे तो दिया, चलो मान लिया किसी करोड़पति के घर हम गए और लाख रुपया उसने दे दिया, मगर उनके घर से निकले और जैसे निकले बाहर कोई डॉन बैठा था, गली का गुंडा बैठा था, डाकू बैठा था, उसको पता चल गया हमारे पास लाख रुपया है और उसने मार करके हमारा लाख रुपया ले लिया, हम तो फिर भी वैसे ही वैसे रह गए। भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दे तो दिया मगर संसार इतना विचित्र है, वो मेरे से ले लेगा तो मैं क्या कर पाऊंगा। भगवान ने बोला दोस्त सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने सर्वशक्ति का नायक हूँ, सर्वशक्ति का दायक भी हूँ और नंबर तीन सर्वशक्ति का रक्षक हूँ। माने एक बार मैंने किसको कुछ भी दे दिया उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, मगर फिर भी एक कंडीशन समझ लेना, पालीताना की यात्रा पे चढ़ने वाला यदि पैर का कमजोर है तो एक लकड़ी होती है ना लकड़ी, वो आदमी को बोलती है दोस्त मैं ऊपर चढ़ा दूंगा तुझे दावा के साथ, भगवान के दरबार तक तुझे पहुंचा दूंगा, तेरे पैर की चिंता मत करना। मगर वो लकड़ी बोलती कि कंडीशन मेरी ओर से भी समझ लेना, ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है मगर जब तक ऊपर ना पहुंचे तब तक मुझे पकड़ रखने की जिम्मेदारी तेरी है, मैं लकड़ी तेरे हाथ में चिपक नहीं जाऊंगी। तो भगवान बोलते जब तक मोक्ष में नहीं जाएगा तब तक हर तरह की देने की ताकत भी मेरी है, रक्षा करने की भी ताकत मेरी है, मगर कंडीशन एक रहेगी, मुझे तुझे छोड़ना नहीं है, तूने यदि मुझे पकड़ लिया तो निश्चित तौर से मोक्ष तक मैं तुझे ले जाऊंगा। सर्वशक्ति के नायक, सर्वशक्ति के दायक और सर्वशक्ति के रक्षक, ऐसे परमात्मा के चरण में नतमस्तक होकर के आज भगवान से प्रार्थना करना, भगवान 400-400 दिन के उपवास आपने किए, ऐसी ताकत तो हमारी नहीं थी मगर उनको सापेक्ष रह करके 200 दिन के उपवास और 200 दिन की व्यासना ये करते करते हम आज वर्षित्व पूर्ण करने के लिए पहुँचे। आपकी दीक्षा हुई तब हमने शुरुआत की थी, आपका पारणा हुआ अक्षय तृतीया, क्षय न होने वाली ये तृतीया हमारे आंखों में आज वो आप आ जाते कि क्या माहौल होगा हस्तिनापुर का जब श्रेयांश ने आपको पारणा कराया होगा, देवताओं पागल पूरा हस्तिनापुर पागल और आज हम भी तो पागल है कि आपका पारणा हुआ था। आज नतमस्तक होकर के हम आपसे डिमांड करते विनंती करते कि भगवान 400 दिन की आराधना हमारी आपकी कृपा से आपकी करुणा से संपन्न हुई, आज भले ही हमारा पारणा हो पेट में भोजन जाए मगर आहार संज्ञा का पाप जीवन में खत्म हो, हमारा आत्मद्रव्य निर्मल हो और जब तक हमारी मुक्ति न हो तब आपका हाथ हमारी अंगुली पकड़ के ही रहे, ऐसी प्रार्थना हम करते। आपने तो वादा दिया है कि दोस्त मेरा हाथ तूने पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी मैं छोड़ूंगा नहीं, तो भगवान इतनी करुणा भी आप ही बरसाना, आपकी अंगुली छोड़ने की दुर्बुद्धि जीवन में कभी भी पैदा ना हो, बस इतनी कृपा कर देना, बाकी सब तू संभालेगा। तो वर्षी तब के आराधकों को मेरी ओर से अंतर के आशीर्वाद शुभकामना, अपने तप के इनके लिए अनुमोदना धन्यवाद आनंद, और आज आपका पारणा सुखरूप हो, पारणा के बाद भी जीवन में त्याग चले, रात्रि भोजन का त्याग चले, द्रव्यों का त्याग चले और ऐसे करते करते शीघ्र परम गति की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना। सर्व पचकांड नवकार सिंह विकास।
അമ്പേര്. ഉകേശ്വരനോകാരി ജാഗരണം ആയം വിരമിക്കുകയോ ചക്കായം ജാഗരണം ഏകാക്കം സംസ്കാരിക്കുകയും ജാഗരണം രണനം പരിഖം നീങ്ങണമെന്ന ജാഗരണമാണ് സർവിച്ചനുവാ ബൗലേനുവാ സസ്യത്തനുവാ സ്യത്തനുവാ ഓ ശിരൈ സർവമംഗലമംഗലം കാണും സർവധർമാണം ജയ് ജയ ശ്രീ.